हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको अपना मोरपंखी का प्लांट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और कितना बड़ा हो रहा है। अब इसके ऊपर बीज भी बनना चालू हो गए थे और अब इसका अगस्त का टाइम है तो इसके बीज फटना चालू हो गए। आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए, जनवरी की फरवरी करीब बीज बन जाएंगे और उसका बीज ये ना फटना चालू हो जाएंगे। जब फटना चालू हो तो आप इसके ना बीज निकाल लें। ऐसे बीज होते हैं, इन बीजों को धूप में सुखा के एक दो दिन फिर एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लें और दो महीने के बाद इसे बोएं। दो महीने के बाद बोएंगे तभी उगेगा, वरना नहीं उगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसके बीज होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर इससे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं, बड़े अच्छे पौधे तैयार होते हैं। इसे क्या कहते हैं, आधे दिन से थोड़ी ज़्यादा टाइम की धूप दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद आप इसे छाया वाली जगह दें। ऐसी जगह भी आपको रखना होगा जहाँ आधे दिन से थोड़ी ज़्यादा धूप आती हो फिर छाया होती हो, तो अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और आपको इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। जब आप इसे बड़ा गमला देंगे तो इसकी ग्रोथ होगी अच्छे से, ये उधर उधर फैलेगा। आपको इसे बड़ा सा गमला देना है और उसके बाद इसकी कटिंग करते रहना ताकि शेप में रहे। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे गमले में भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसे। लेकिन आप थोड़े बड़े में लगाएं, अगर आप बड़ा करना चाहते हो और स्पेस कम है तो छोटे में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तो आप छोटे में भी लगा सकते हो और बड़े में भी लगा सकते हो, बस इसकी यही है। और उसे कीड़े मकोड़े नहीं लगते। आप इसे महीने में एक बार खाद दें, ये चलता रहेगा। ये सर्दी और गर्मी दोनों टाइम ही अच्छी ग्रोथ करता है और काफ़ी हरा भरा रहता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा।